कर्नाटक चुनावों में लड़ाई देश की दो बड़ी पार्टियों के बीच ही नहीं थी, सत्ता का ये संघर्ष दो चेहरों के बीच भी था। एक तरफ थे कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी और दूसरी तरफ थे गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा पहली बार नहीं है जब मोदी बनाम राहुल की जंग का हो हल्ला सुनाई दे रहा हो, लेकिन ऐसा पहली बार जरूर हो रहा था कि जब इस शोर के पीछे की ताकत की पड़ताल होनी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनावों ने सत्ता के दोनों दिग्गजों को वो अखाड़ा मुहैया करा दिया था जहां दोनों अपनी ताकत तौल सकते थे। जनवरी 2013 के जयपुर सम्मेलन में राहुल गांधी आधिकारिक तौर पर कांग्रेस में नंबर दो की भूमिका पर आ गए। कांग्रेस के उपाध्यक्ष बनने के बाद राहुल गांधी के हाथों में ज्यादा अधिकार भी थे और ज्यादा जिम्मेदारी भी। कर्नाटक चुनाव में सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या राहुल गांधी इस जिम्मेदारी के साथ उतने ही असरदार भी हैं? मोदी की हवा बनना शुरू ही गुजरात में हुए विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार जीतने से। दिसंबर 2012 में हुए चुनावों के बाद से नरेंद्र मोदी और उनके समर्थक नरेंद्र मोदी को देश का और बीजेपी का सबसे लोकप्रिय नेता साबित करने में जुटे हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले अपनी ताकत बिहार विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मापी थी, लेकिन दोनों ही जगह राहुल गांधी विफल रहे थे। लेकिन इन दोनों जगह नरेंद्र मोदी नहीं थे। गुजरात विधानसभा चुनाव से राहुल गांधी दूर रहे थे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पहली बार ऐसा मैदान मिला जहां दोनों आमने सामने थे। बीजेपी की नेता पार्लियामेंट में खड़ी होती है और भ्रष्टाचार के बारे में बात करती है। कर्नाटक के बारे में नहीं बात करेंगी, उनके जो दोस्त हैं उनके बारे में नहीं बात करेंगी, भ्रष्टाचार के बारे में बात करेंगी। बीजेपी के लोगों को कर्नाटक में भ्रष्टाचार नहीं दिखाई देता। मैं जो सोने का चमचा लेकर के पैदा हुए हैं, जो गोल्डन स्पून लेकर के जन्म लिया है, ऐसे नेता सलाह दे रहे हैं। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर 15,000 वोट से ज्यादा वोट से हारे हुए लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। कर्नाटक में क्या हुआ? ऐसे लोगों को टिकट दिया कि नहीं दिया? अपनी बातों पर पानी फेर दिया कि नहीं फेर दिया? अब आया है इस टक्कर का नतीजा। कर्नाटक विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है और बीजेपी की हार। कांग्रेस अपने बूते सरकार बनाएगी, जबकि बीजेपी के हाथ से दक्षिण का एकमात्र किला छिन गया है। नतीजों के आते ही शुरू हो गया मोदी पर कांग्रेस का जबरदस्त वार। कि मैं हूँ हीरो, बाकी सब हैं जीरो, ये तो खुद का मोदी का बनाया हुआ है। अब पता चल गया कि बाकी हैं हीरो, वो है जीरो। गुजरात के बाहर कौन मोदी को जानता है, और गुजरात के अंदर भी उनका जो परफॉर्मेंस है बेहद कमजोर है और झूठा नंबर एक है। वहीं बीजेपी से मोदी की हार मानने से इनकार कर रही है। वो एक मुख्यमंत्री आके एक दो दिन में कैंपेन करे, पूरा उसी के कारण से उस प्रदेश का चुनाव में पूरा परिवर्तन आएगा क्या? कुछ मात्रा में उसका इफेक्ट होगा। यहाँ जो दिल्ली में बैठे कुछ मास्टर स्ट्रेटजिस्ट को श्रेय देते हैं, आप लोगों का चॉइस है। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, जीतना और हारना ये पार्टी का सामूहिक नेतृत्व सबका जिम्मेदारी है। हम सब लोग वो जिम्मेदारी को निभाएंगे। बीजेपी के नेता मानकर चल रहे हैं कि कर्नाटक में कोई करिश्मा नहीं होने वाला है, पर मोदी की सभाओं में जुट रही भीड़ ने उन्हें आशा जगाई थी। मोदी ने केंद्र सरकार पर तीखे हमले भी किए और गलतियों को माफ करने की अपील भी की, लेकिन कुछ काम नहीं आया। नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में तीन जगहों पर रैली की थी, ये थी बैंगलोर, मैंगलोर और बेलगाम। इन तीन रैलियों का असर 37 विधानसभा सीटों पर पड़ना था। आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी को सिर्फ 13 सीटों पर फायदा हुआ, यानी मोदी को मिली 35% सीटों पर कामयाबी। वहीं कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने 6 रैलियां की थी। इन रैलियों का 60 विधानसभा सीटों पर असर पड़ने की उम्मीद थी, जिनमें से कांग्रेस सिर्फ 25 ही जीत पाई। राहुल के प्रचार को 41% कामयाबी ही मिली। इस मोर्चे पर 35 के मुकाबले 41% से जीत गए राहुल गांधी। अगर आप IPL के फॉर्मूला लगाएं यहाँ पर, तो स्ट्राइक रेट राहुल गांधी का बेटर रहा है मोदी से। लेकिन मोर सीरियसली, ये लोकल इलेक्शन है और यहाँ पर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव होता है। अगर यही लोकसभा का चुनाव होता और ये दोनों कैंपेन किए होते, तो ये सवाल ज़्यादा जायज होता।
राहुल गांधी को और देखना पड़ेगा कि ये जो नतीजे आए हैं ये कहाँ तक कांग्रेस की वजह से आए हैं, कहाँ तक इस वजह से आए हैं कि बीजेपी का जो वोट है उसमें विभाजन हुआ है, क्योंकि उनके एक बड़े नेता मुख्यमंत्री जिन्होंने दरवाज़ा खोला दक्षिण भारत का, वो पार्टी को छोड़ के चले गए। यानी आपको जीत आपकी अपनी है या कांग्रेस की जीत दरअसल में ये नहीं है, ये बीजेपी के एक तरीके से हार है क्योंकि बीजेपी के एक बड़े नेता वहाँ से चले गए। ये बात उनको बैठ के सोचनी पड़ेगी। राहुल गांधी बनाम मोदी के इस मुकाबले में एक और मोर्चे पर राहुल गांधी ने बाजी मार ली, वो ये इस बार राहुल गांधी और उनकी टीम ने चुनाव की कमान अपने हाथ में ले ली। टिकट बंटवारे से लेकर रणनीति बनाने तक में राहुल गांधी और उनकी टीम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अब टीम राहुल बता रही है कि मोदी तो राहुल गांधी के मुकाबले कहीं है ही नहीं। ये बहुत विषम परिस्थितियाँ थी यूपीए के लिए, कांग्रेस के लिए, तमाम सरबजीत का मामला था, चीन का मामला था, करप्शन का मामला इतना बड़ा, बंसल का मामला था, उस तमाम के वो बावजूद जो है जनता ने जो है वो कांग्रेस के प्रति जो है अपना विश्वास प्रकट किया है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो उनकी एम्बिशंस थी उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। वहीं दूसरी हकीकत यह है कि मोदी ने कर्नाटक चुनाव को पहले ही हारा हुआ मान लिया था। मोदी ने टिकट बंटवारे से अपने आप को दूर रखा और कर्नाटक चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। आखिरी दिनों में वो 3 रैलियां करने पहुंचे जरूर, लेकिन ये कर्नाटक के किले को बचाने में ना काफी साबित हुआ। पार्टी के कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं ने ये प्रार्थना कर रहा था कि मोदी ना आए, क्योंकि मोदी के बावजूद भी बीजेपी हारने वाला था। बेंगलुरु शहर में जो उसका पब्लिक में आम सभा में जब मैं किसी से बात कर रहा था, बहुत लोग सुन रहे हैं, लोग ठीक है मोदी जी आए हैं, अच्छा बोलते हैं, अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हैं, लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री तो नहीं बनेगा ना वो। तो अगर मोदी को वोट डालनी है तो लोग देखेंगे लोकसभा इलेक्शन में तो बीजेपी क्या करते हैं, तो इस बार बीजेपी के खिलाफ हम वोट डालेंगे। मोदी ने अपने भाषणों में कांग्रेस के साथ साथ गांधी परिवार पर तीखे हमले किए थे, वहीं राहुल गांधी ने अपनी रैलियों में मोदी का कहीं नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा हम आपको रोजगार देंगे, भैया यहाँ युवा खड़ा है, आपको रोजगार मिला, काम मिला, क्यों नहीं? क्योंकि सरकार रोजगार को भूल गई, बिजली को भूल गई, पानी को भूल गई, और उनको सिर्फ एक चीज याद आई कि कर्नाटक की जनता का जो पैसा है उसे हम किस तरीके से लूटे और कहां से उसको चोरी करें। मां कहती है, रो रो करके कह रही है, बेटा पावर पॉइजन होता है, बेटा सत्ता जहर होती है, और 100 दिन के भीतर भीतर बेटा घूम घूम के कह रहा है हमें कर्नाटक में सत्ता दो, हमें कर्नाटक में सत्ता दो। इस रणनीति में टीम राहुल बाजी मारती नजर आई। राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगे थे और ऐसा लगता था कि राहुल गांधी सिर्फ जहां जाते हैं वो कांग्रेस हार जाती है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और उनकी टीम जो मधुसूदन मिस्त्री वगैरह की वो काम आई है, और ऐसा कांग्रेस जनों में विश्वास होता है कि राहुल गांधी अगर किसी चीज का मामले को अपने हाथ में लेते हैं तो वहां कामयाबी हो सकती है। कांग्रेस वाले कुछ लोग भ्रम में है, जैसा मैंने कहा ना, वो कह रहे यो नेता के कारण से हमको पूरा श्रेय मिला, ठीक है मिला है तो उनको होने दीजिए, और जो 9 स्टेट्स में 7 स्टेट्स वो खो गए, हार गए, उसमें यही यो नेता कुछ नहीं कर पाया, उनको समझ में आना चाहिए बोलते समय, फिर भी वो सोच रहे एक ही बैठ है, बैठ के बाद दोबारा उसका रिप्लाई बैठ भी होगा। कांग्रेस हो या बीजेपी, राहुल हो या मोदी, हर कोई कर्नाटक के नतीजों के असर को जानते हैं। ये चुनाव लोकसभा चुनावों से पहले हवा बनाने के काम आएगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने से मोदी ने किनारा कर लिया। दांत दर्द के बहाने ही सही, मोदी ने सवालों से बचने में ही भलाई समझी और दिल्ली आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। वहीं कांग्रेस इस पूरी जीत को भुनाने में जुट गई है, जश्न मनाया जा रहा है और इसे केंद्र की राजनीति पर जनता की राय के तौर पर पेश किया जा रहा है। वहीं बैकफुट पर खड़ी बीजेपी के पास अभी कहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। बीजेपी के लिए सुविधाजनक यह है कि कर्नाटक के बजाय कोयला घोटाले की बात करें, वहीं मोदी ने फिलहाल चुप रहने में ही भलाई समझी है। साल 2013 में अभी 6 और राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनमें सिर्फ 2 में बीजेपी की सरकार है जबकि 4 में कांग्रेस की सरकारें दांव पर होंगी।
मोदी कर्नाटक का बदला जरूर आने वाले वक्त में लेना चाहेंगे।